श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 अप्रैल को वैसाख मास का पहला सोमवार का दिन है और काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज आए, भैया वैसाख के पहले सोमवार पे जो दो लोटे जल वाला उपाय है उसको एक बार ठीक से समझा दें। तो पूज्य गुरु जी की कथा तो सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि इस उपाय को आपको कैसे करना है। आपको बता दूँ एक बात कि जो महत्व सावन के सोमवार का होता है वही महत्व वैसाख के सोमवार का होता है, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, जिससे महादेव आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें, ठीक है ना। थोड़ा सा नियम से करेंगे। स्क्रीन पे आप सभी को दो लोटा दिख रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको दो लोटा ही लेना है, आपके घर में जो दो पात्र हो जिसमें आप पानी रख सकते हो, चाहे दो ग्लास ले लो, दो कटोरी ले लो, दो लोटा ले लो, दो चम्मच ले लो, कोई सी भी दो चीज़ें लेंगे, ठीक है ना। उन दोनों चीज़ों में जो जल भरोगे आप अपने घर से भरना, ठीक है ना। भरने के बाद में आपको कोई भी पुष्प अपने घर से या फिर कोई भी और सामान आपको अपने घर से महादेव के शिवलिंग के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वहाँ जाएंगे जब आप खड़े हो ना, तो आप देखोगे कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले से ही बहुत सारे पुष्प बहुत सारे फूल चढ़े हुए होंगे। आपको क्या करना है, जो फूल पहले से चढ़े हुए हैं ना उन्हीं फूलों को उठा करके एक बार फिर से आप महादेव का श्रृंगार कर दो, ठीक है। श्रृंगार करने के बाद में जो आपकी विश है, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, वो बोलते हुए अपने दोनों हाथों से जल एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंद केशवर महादेव के नाम से चढ़ाओगे। कौन से महादेव के नाम से? कुंद केशवर महादेव के नाम से जल चढ़ाओगे। जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल इसी जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा किसी भी कटोरी में, प्लेट में, लोटे में रोक लेना, ठीक है ना। रोकने के बाद में इस जल को लेके आप अपने घर पे जाएंगे, सभी कमरों में, अंदर बाहर ऊपर सब जगहों पे आप उस जल का छिड़काव कुंद केशवर महादेव के नाम से कह देना। वैसाख महीने के पहले सोमवार के दिन जो इस उपाय को कर लेता है उसकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जिस भी कारण से अधूरी हैं, वो विशेष वो इच्छा महादेव पूरी ज़रूर करते हैं, ठीक है। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय था और सबसे अच्छी बात है कि आपको इसके लिए कुछ ढूंढना नहीं है, सिर्फ दो लोटे जल से इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना, करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, ठीक है ना। कहोगे भैया दूसरा उपाय किन के लिए है, तो दूसरा उपाय भी आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए है। अगर आप बहुत दिनों से कुछ लेने की सोच रहे हो और आप खरीद नहीं पा रहे हो, ले नहीं पा रहे हो, आपकी इच्छा पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो आपको इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। आप सभी लोगों के घरों में होगा पीला चंदन, तो पीला चंदन लेना और इसका एक बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। छोटी सी कटोरी में पेस्ट बना लेना। पेस्ट बनाने के बाद में आपके पास में एक बेलपत्र होनी चाहिए। उस एक बेलपत्र के जो ऊपर उठा हुआ पत्ता होता है बड़ा वाला, उस पर जब आप उस एक बिंदी लगाओगे पीले चंदन की, तो वहाँ पे आपको एक बोलना होगा मंत्र और वह मंत्र है नमः शिवाय। यहाँ पर आपको ओम का उच्चारण नहीं करना है, आपको क्या बोलना है, नमः शिवाय बोल करके पीले चंदन की एक बिंदी बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे आपको लगानी है, ठीक है ना। लगा दिया, फिर आप इस बेलपत्र को उठाएंगे और आपको लेना होगा एक तांबे के लोटे में जल और ले करके आपको पहुंच जाना है भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है और महादेव की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पर पहले उस पीले चंदन वाले बिंदी वाले बेलपत्र को आपको रखना होगा। यहाँ पे भी आपको नमः शिवाय ही बोलना है, ओम का उच्चारण आपको नहीं करना, ठीक है ना। नमः शिवाय बोल के यहां चढ़ाएंगे और फिर यही बेलपत्र उठा करके भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप समर्पित कर दोगे तो जल, ना तो आपको जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ानी है और ना ही जल आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। फिर जल कहाँ चढ़ाओगे, ये जो आपको माता का हस्त कमल दिख रहा है जिसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं, इसी कटी भाग पे गोल गोल करते हुए आपको जल समर्पित करना है और अपनी कामना, अपनी विशेष, अपनी इच्छा बोलते चले जाना है। यकीन मानिए इस उपाय को आपने वैसाख के सोमवार पे कर लिया ना, तो आप जो कुछ भी मांग रहे हो, जो कुछ भी इच्छा आपकी है, वो विशेष वो इच्छा आपकी पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना।
करना ज़रूर सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो उपाय की बात की है, बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा आसान थे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, ठीक है ना। लेकिन ये तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, कैसे करना है, सब कुछ आपको तब बताऊँगा जब आप सभी लोग करोगे वीडियो को लाइक, और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय के सबसे पहले बेनिफिट, सबसे पहले फ़ायदे, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो इस उपाय का सबसे बड़ा फायदा एक ही है कि आपके घर में कोई इंसान बीमार कभी पड़ेगा ही नहीं अगर आपने इस उपाय को कर लिया। और अगर कोई भी इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है तो उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक ज़रूर हो जाएंगी। उसके लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है, स्टील का ग्लास ले सकते हो, कटोरी ले सकते हो, कुछ भी लेना, और उसमें आपको गौ माता का कच्चा दूध डालना है। कच्चा दूध वो दूध होता है जो गर्म ना किया गया हो, ठीक है ना। जैसे ही दू करके लाए, जैसे ही खरीद करके लाए, वैसे इस्तेमाल करना, वही कच्चा दूध होता है। दूध ले लिया, दूध को लेने के बाद में आपको 5 काली मिर्च लेनी है। कितनी काली मिर्च लोगे? 5। और इस 5 काली मिर्च को खड़ा नहीं लेना है, इसको अच्छे तरीके से बारीक पीस लेना है, एकदम पाउडर बना लो, और उसी काली मिर्च के पाउडर को जो दूध लिया है आपने दूध के अंदर डाल देंगे, है ना। डालने के बाद में जो इंसान आपके घर में बीमार है, जो इंसान आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशान है दवा खा खा करके, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा दूध वाला जल आपको समर्पित करना है भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, है ना। आप इस उपाय को करेंगे, लेकिन नाम यहाँ पे आपको बोलना होगा अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करिएगा, जो दूध वाला है उसको समर्पित करने के बाद में फिर एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। यकीन मानिए इस उपाय को अगर आपने बीमारी के लिए कर लिया, जो भी इंसान आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। करना जरूर सभी लोग। और हां, एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि आप जब भी बीमारी का उपाय किया करो तो आप अपनी मेडिसिन, आप अपनी दवा बिल्कुल बंद मत किया करो, ठीक है ना। ऐसा करने से आपको नुकसान होगा। जब दवा और दुआ दोनों साथ में करते हैं तब उसका रिजल्ट 100% आता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आखिरी उपाय है। उसको आपको समझने के लिए आपको बता दूं इस उपाय के दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आप इस उपाय को अपनी इच्छा तो पूरी कर ही सकते हो, साथ ही साथ अगर कोई भी इंसान आपके घर में क्रोध करने वाला है, गुस्सा करने वाला है, तो उसका गुस्सा भी इससे शांत जरूर हो जाएगा। आपको क्या करना है, मात्र आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी। ये उपाय वही है जो हम लोग को 10 बार जल चढ़ाने वाला है, आपको याद आ रहा होगा। तो एक बेलपत्र ले लेंगे, साथ ही साथ आपको तांबे के लोटे में जल भरना है। जल आपका अपने घर का होना चाहिए, ठीक है ना। और हाँ, ध्यान रखिएगा, जल के अंदर बेलपत्र को नहीं डालेंगे, और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, ठीक है। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो बताऊंगा उस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपके पास में जो एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को आपको रखना होगा सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और फिर इसी बेलपत्र को यहाँ से उठा करके भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। यानी कि पहले माता अशोक सुंदरी, फिर आपको दूसरा बार आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। अब देखो सारा तरीका यहीं पर सुनिएगा जो बताने जा रहा हूँ। आपके पास में एक लोटा जल है, मैंने क्या बोला, यह उपाय है 10 बार जल चढ़ाने वाला। तरीका समझिएगा, जो आपके तांबे के लोटे में जल है उसको 7 बार में समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। कितनी बार में चढ़ाओगे? 7 बार में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जल, बहुत थोड़ा थोड़ा करके, पूरा जल खत्म मत कर देना 7 बार में, थोड़ा थोड़ा करके जल चढ़ाएंगे। थोड़ा सा जल अपने कलश में बचा लेना, जितना भी जल आपने अपने कलश में बचाया है वो 3 बार में भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर दिया तो गुस्सा तो उसका शांत होगा ही होगा, साथ ही साथ आप अपनी मनोकामना के लिए भी इस उपाय को अगर कर रहे हैं तो आपकी विशेष, आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। इससे महादेव बहुत खुश होते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को जरूर करना है। वैसाख का पहला सोमवार है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि सावन के सोमवार इतना ही महत्व वैसाख के सोमवार का है, तो आप लोग को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना होगा, ठीक है ना। कोशिश की अच्छा समझाने की। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फोन में बातें करनी है, मैसेज में बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।